टाटा पावर में पार्षद की लापरवाही के चलते जोन्सगंज वार्ड नंबर 30 में हादसा होते टला। अचानक ही बिजली की हाई टेंशन लाइट 11 किलोवाट की लाइन टकराने से जमीदोज हुई। बिजली विभाग की लापरवाही, 2 घंटे से अधिक समय होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। वहीं गुमटी के नीचे सफाई कर्मचारियों को सामान पड़ा रहता है, ऐसे में राहगीरी कारखाने जाने वाले इस लाइट की चपेट में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पार्षद नीतू मिश्रा को इस हादसे की जानकारी दी गई, परंतु समय रहते उन्होंने फोन नहीं उठाया। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने आते जाते राहगीरों को दूर कर मौके को सुरक्षा घेरा प्रदान किया। वह पत्थर का घेरा बनाकर धुआं निकालते हुए चलती बिजली के तारों से दूर रखा। सुबह बरसात हो रही थी, बरसात में ये हवा चली, हवा से एकदम तार टूट गए और करंट आ रहा, धुआं निकल रहा सबके सामने। कौन सी जगह ये? जॉन्सगंज पोस्ट ऑफिस के पास, वार्ड नंबर 30। 2 घंटे से फोन कर रहा, अभी तक कोई आया ही नहीं है। नाम बताओ। तुलसी शर्मा। कौन है यहाँ का पार्षद? रंजन शर्मा। उसको फोन नहीं करा क्या? करा, वो भी नहीं आ रहा। वो भी नहीं आया। क्यों फोन नहीं उठाया? सो के नहीं उठा? निकाल पा रहे क्या? हमारे सफाई कर्मचारी गुमटियों में सामान रखते हैं, तो वो सुबह 6:30 बजे आए हैं सामान निकालने के लिए। जब ये केबल टूटी हुई थी तो वो एक दो जने हमारे कर्मचारी हादसे में आ जाते, चपेट में आ जाते, करंट के मर जाते और कोई सुनाई नहीं। और ये प्रशासन की डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे हो गए फोन कर रहे हैं, वो कोई आ ही नहीं रहा। 10 मिनट का नाम ले रहे हैं वो, और ड्यूटी हम दे रहे हैं, पब्लिक को हम दूर कर रहे हैं, और करंट आ रहा, हाई वोल्टेज की लाइन है। मैं आनंद कुमार।